पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता बुद्धि विहार स्थित जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। इसमें पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर संगठन की ओर से रक्तदान कार्यक्रम किया गया। इसके तहत जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके लिए कार्यकर्ता अपने जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता और भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष विशाल त्यागी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें प्रमुख हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई श्री अभिषेक चौबे जी, विशाल त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल जी और मदालसा शर्मा जी जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष है, सुनीता सैनी जी, सुषमा सरन जी, जो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मिलजुल कर इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भाई अभिषेक चौबे जी ने एक महीने से बहुत तैयारियाँ की हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जिले में 10 जिले इसमें पुरस्कृत किए जाएंगे अगर वो सबसे अच्छा कार्य करेंगे, तो हम अपने जिले को, मुरादाबाद जिले को प्रथम स्थान पर लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी सारी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और हमारी सारी तैयारियां जमीनी स्तर पर हो चुकी हैं। ये रक्तदान जो शिविर होगा कहाँ पर लगेगा आपका? ये रक्तदान शिविर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगेगा और इसमें हमने सभी लोगों को, शहरवासियों को यहाँ पर आने के लिए कहा है कि वो यहाँ पर आए, रक्तदान दें। जी प्रिया जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या मैसेज देने का प्रयास किया? ये जो कार्यक्रम हमारा आया है, जैसे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक अल्पना गुप्ता जी ने बताया, ये कार्यक्रम अभिषेक चौबे जी के नेतृत्व में और बड़े भाई विश्वास त्यागी जी के नेतृत्व में और बहन अल्पना गुप्ता जी के नेतृत्व में हो रहा है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक संदेश पूरे मुरादाबाद महानगर से जाएगा कि जब सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम का एक स्वरूप देखेंगे और जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं, सभी मोर्चे, सभी मुरादाबाद वासी इसमें प्रतिभाग करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है, हम लक्ष्य से पूरा इस कैंप को कर पाएंगे। कब लगेगा ये कैंप और कहाँ? 17 अक्टूबर से यहाँ पर 17 सितंबर से कार्यालय पर यह कैंप है। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ये कैंप। इसके अलावा भी जो कार्यक्रम आए हैं 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक जो कार्य चलेंगे उसकी भी तैयारी कर ली गई है और एक एक करके कार्यक्रम आएंगे उसकी विविधत सूचना आप सभी को दे दीजिए। कौन सा सप्ताह मना रहे हैं, किस उपलक्ष्य में? ये सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम हमारे पास आए हैं, इसको हम पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। पार्टी का हमारे पास निर्देश आया है जो 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम होने हैं, इन सभी कार्यक्रमों में पार्टी बढ़ चढ़ कर अपना योगदान सभी लोग कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमारा 17 तारीख को होना है, जैसा कि अभी भी भाभी ने बताया, रक्तदान शिविर। इसमें हमारी इस बार जो मुख्य जो है, हमारा जो केंद्र है वो ये है कि हमें बढ़ चढ़ कर सबसे ज़्यादा रक्तदान करना है और इसमें ऊपर से ये आया कि जो भी 10 जिले उत्तर प्रदेश में 10 जिले सबसे ज़्यादा रक्तदान कराएंगे उनको केंद्रीय नेतृत्व सम्मानित करेगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम उन 10 जिलों में आएँ और युवा मोर्चा को इसकी कमान मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सब लोग इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका भाभी अल्पना जी और मदालसा जी, प्रिया जी और सब लोग मिलकर इसको सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्या अध्यक्ष हैं, ऐसे में युवाओं को जोड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के क्या प्रयास? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोग सेवा सप्ताह मनाने का काम करते थे, लेकिन इस वर्ष जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष हमने पूरे किए हैं और अभी हमने एक आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाने का काम किया था, उसी क्रम में ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका स्वयं का जीवन देश को समर्पित रहा, सेवा कार्यों में समर्पित रहा, तो उसी के थीम को लेते हुए सेवा पखवाड़ा हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने का काम होगा, जिसका शुभारंभ जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक ब्लड डोनेशन के कैंप से, मेगा ब्लड डोनेशन कैंप से शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियां पिछले महीने से हम लोग लगे हुए हैं और प्रत्येक मंडल से
हमने सूची तैयार कराकर अपने क्षेत्र और प्रदेश नेतृत्व को भेजने का काम किया। अब पहली बार मैं मानता हूँ इस जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा होगा, लगभग 500 से ज़्यादा युवा जो है एक दिन में ब्लड डोनेशन करने का काम करेंगे।